हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे, आपने सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जब वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं कि हमने ना प्रेगनेंसी टेस्ट हमें पॉजिटिव आया, जब हमने किट में यूरिन से टेस्ट किया तो हमें पॉजिटिव आया, बट अभी हमें फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद हमें फिर से पीरियड आ गया, तो ये क्या प्रॉब्लम हुई? मतलब हमें तो टेस्ट पॉजिटिव आया था, किट में पॉजिटिव आया, तो हमें पीरियड कैसे आ सकता है? तो क्या हमें प्रेगनेंसी थी? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि आपको किट में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद आपको 3-4 दिन बाद जाके पीरियड्स हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया और आप इस तरह से प्रेगनेंट हो गए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो इस तरह की प्रेगनेंसीज होती हैं उनको बोला जाता है केमिकल प्रेगनेंसी या फिर बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। ये नॉर्मली 50% लोगों में देखा जाता है आज के टाइम में। इसमें क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है बट कुछ टाइम बाद जाके आपको पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपका जब प्रेगनेंसी आपका पीरियड आने का टाइम होता है, पीरियड मिस हो जाता है या पीरियड मिस होने पीरियड डेट से एक दिन पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, क्योंकि जब आप प्लान करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि मैं फटाफट से अपना प्रेगनेंसी जो टेस्ट है उसको कर लूँ कि मेरे को मैं प्रेगनेंट हूँ या नहीं ये जानने के लिए। तो क्या होता है कि आप डेट से एक दिन पहले 2 दिन पहले टेस्ट कर लेते हो। जब आप यूरिन में टेस्ट करते हो प्रेगनेंसी टेस्ट का तो वो पॉजिटिव आता है, आप खुश हो जाते हो, बट 3-4 दिन बाद जाके आपका पीरियड शुरू हो जाता है और उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो क्योंकि आप इतना सीरियसली बेबी प्लान करते हो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान उस चीज़ में हो जाते हो। अब बात करते हैं कि यूरिन में टेस्ट पॉजिटिव आता कैसे है, क्यों आता है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो फिर भी क्यों आ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब हमारा स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है और वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जब ब्लास्टोसिस्ट 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, इनर मास सेल एंड आउटर मास सेल। इनर मास सेल से हमारा क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जिससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हार्ट बनता है, किडनी बनता है, ब्लैडर बनता है, बच्चे के बाल बनते हैं, हेयर बनता है, स्किन बनता है, नेल्स बनते हैं, वेसल्स बनती हैं, तो लंग्स बनता है, लीवर बनता है। तो ये जो बनती है ये सारी बनती है इनर मास सेल के डिवीजन से। बट जो आउटर मास सेल होता है उससे बनता है प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो जो हमारा एससीजी हार्मोन होता है वो प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, एससीजी हार्मोन को रिलीज करता है जो कि बेबी को ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लस प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है एंड जो भी बच्चे के अंदर जो भी खराब चीज़ें होती हैं लाइक जो उसके लिए हेल्दी नहीं है उन चीज़ों को बाहर निकाल के मदर के अंदर डाल देता है। प्लेसेंटा का ये रोल होता है। तो जो एससीजी है वो प्लेसेंटा रिलीज करता है। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा एससीजी रिलीज करता है बट जो ब्लास्टोसिस्ट जब बेबी बन गया उसके बाद की जो उसकी ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो नहीं होता है। बट एससीजी रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि किट में तो पॉजिटिव आ जाता है बट आपको बेबी ग्रो नहीं हुआ, तो इसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, जिसको हम अर्ली मिसकैरेज बोलते हैं, और इस वजह से आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अब ये है कि इसका कॉज क्या है, क्या होता है? देखिए वैसे तो इसका कॉज अननोन है, ऐसा देखा गया कि अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट कॉज ही नहीं पता है, बट अगर देखा जाए तो जो फॉल्टी एम्ब्रियो होता है ये इसकी वजह से होता है। फॉल्टी एम्ब्रियो कैसे बनता है, देखिए जैसे कि बताया कि वो ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो उसके बाद और सेल डिविजन्स होते हैं, सेल डिविजन्स होते हैं तो आगे जाके बेबी ग्रो करता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब बेबी का ग्रो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कि वो जो फॉल्टी एम्ब्रियो है वो फॉल्टी एम्ब्रियो बन रहा है। क्या होता है ये जो फॉल्टी एम्ब्रियो है ये ग्रो नहीं होने देता है बेबी को, ग्रो नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है बेबी का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बेबी है वो ग्रो ना होकर आपका जो प्रेगनेंसी है वो सिर्फ टेस्ट पर ही आके पॉजिटिव रह जाती है और आगे जाके नहीं जाती है। अब क्या होता है जो एससीजी हार्मोन है वो यूरिन में 10 डेज में आ जाता है, ब्लड में 10 डेज में आ जाता है एंड यूरिन में 14 डेज में आ जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्लड एससीजी भी करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव आता है और उसके बाद भी पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये भी हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कौन लोग इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो 35 ईयर्स से ज़्यादा एज होती है उन वो रिस्क में होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है वो रिस्क में होगा, किसी को थायराइड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है वो रिस्क में होता है, किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है वो रिस्क में रहता है। तो इस तरह से कुछ रिस्क होते हैं, या किसी का हार्मोनल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं वो रिस्क में हो सकता है, किसी को PCOD है तो वो भी रिस्क में हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो केमिकल प्रेगनेंसी यही होता है कि आपका पॉजिटिव आना बट अर्ली मिसकैरेज हो जाना, तो केमिकल प्रेगनेंसी ये होता है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या कॉज होता है, क्या रिस्क होता है, ये हमने आज देखा। बट बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मुझे पता है बहुत बुरा लगता होगा कि आप प्रेगनेंसी बहुत दिल से चाह रहे हो और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। केमिकल प्रेगनेंसी के बाद जब नेक्स्ट
प्रेगनेंसी आप प्लान करोगे तो वो बहुत होगी, और ऐसा नहीं है जिसको एक बार केमिकल प्रेगनेंसी हुई, अर्ली मिसकैरेज हुआ तो उसको हर बार होता है, ये ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल हेल्दी एंड हैप्पी रखिए। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ एक शॉर्ट चीज ही मैंने बताई है कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होता है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग 2-3 लोगों ने पूछा था कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया बट हमें पीरियड्स हो गए, तो हम प्रेगनेंट थे तो पीरियड्स क्यों हुए। तो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा जो बेबी है वो ग्रो नहीं हो पाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल अपना अच्छे से फिट एंड हेल्दी रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।